नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट सहित मुस्वप्ना आरंभ करिबा खबर अभिचार स्किल मानपावर पई भारत को देखुची सारा विश्व कोरोना कष्ट सह नुआ बाटो भी खोलिची आ भारतर युव वर्ग को यार लाभ देबा को कामरे लागि पडिची मिशन स्किल इंडिया एबे यहा 6 वर्ष रे पाद देची स्किल इंडिया मिशन रो 6 वर्ष पूर्ति अवसर रे आयोजित समारोह रे उद्बोधन देछंती प्रधानमंत्री ए अवसर रे कौशल रो कला को नै भारत किभळे आगो को जीव से संपर्क रे मंत्र देछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्त मिसी स्किल इंडिया मिशन को आहुरी गति देवा को आह्वान देछंती मोदी सबु क्षेत्र रे स्किल रो सम्मान करबा उचित बोली से कहिछंती वाराणसी गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1583 कोटी टंकार उन्नयनमूलक प्रोजेक्टर उद्घाटन तथा शिलान्यास करिछंती प्रधानमंत्री पाखापाखि 8 मास परे प्रधानमंत्री मोदी निज संसदीय क्षेत्र गस्त करिछंती वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट प्रधानमंत्री पहुंचिबा परे प्रथमे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आईआईटी खेल पड़िया रे एक जनसभा स्थल रे जोग देथिले एही अवसर रे 280 टी योजना रे विभिन्न प्रोजेक्टर शिलान्यास करिछंती प्रधानमंत्री 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। ड्रोन परिचालना नियम हेबो सरल ड्रोन को सहज व्यवहार करबा पई केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय एक ड्राफ्ट प्रस्तुत करिछि देश रे ड्रोन व्यवहार करबा पई आवश्यक अनुमति रो फॉर्म रो संख्या यूएएस नियम 2021 रे थिबा 25 रो रासो करी ड्रोन नियम 2021 रे 6 करा जाइछि अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल बा यूएएस नियम 2021 को चलित वर्ष मार्च 12 रे लागू करा जाइतला विज्ञप्ति परे ड्रोन नियम 2021 यूएस नियम 2021 रो स्थान नेबो देशरे कमिबारे लागिछि द्वितीय लहर दैनिक आक्रांतक संख्या मध्य कमिबारे लागिछि किंतु क्रमागत भाबे बढ़ी चलिछि सुस्थता हार गत 24 घंटारे देशरे 41806 नुआ मामला चिन्हट होइछि देशरे वर्तमान आरोग्य हार 97.28% रहिछि आक्टिव केस लोड 432041 रहिछि जहां समुदाय केस रो 1.39% अटे सेहीपरि दैनिक पॉजिटिविटी हार 2.15% रहिछि गत 24 दिन धरी 3% तले रहिआछि दैनिक पॉजिटिविटी रेट सेपटे वैक्सीनेशन रो नुआ माइलखुंट छुइछि भारत देशरे 39 कोटि टीका प्रदान करा जाइछि राज्य रे थमुनी कोरोना मृत्यु संख्या पुणी 66 मुंड नैछि किलर वायरस एहा सह गत 24 घंटा रे राज्य रे 2110 जना कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती एमानक मध्यरु 1213 जना संगरोध केन्द्र रो चिन्हट होइतबा बळे स्थानीय संक्रमण रो 897 जना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती खोर्धा जिला रो सर्वाधिक 458 जना आक्रांत चिन्हट होइछंती गत 24 घंटा मध्य रे कटक रु 323 बालेश्वर रु 168 भद्रक रु 79 केन्द्रापड़ा रु 132 केउंझर रु 66 मयूरभंज रु 99 नयागढ़ 74 जना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती सेपरे राज्य रे मोट 9,49,752 जना पॉजिटिव चिन्हट होइतबा बळे 9,47,869 जना सुस्थ होइछंती राज्य रे एबे भी 22,219 जना सक्रिय संक्रमित रहिछंती राज्य रे संक्रमण ह्रास पाइबारे लागिछि एहाकु दृष्टि रखी राज्य रे अनलॉक प्रक्रिया मध्य आरंभ होइछि मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र नुआ गाइडलाइन नै सूचना देछंती अगस्त 1 जाय राज्य रे आंशिक कोविड कटकणा लागू करा जाइछि आसंता 2 सप्ताह जाय राज्य रे आंशिक लॉकडाउन बलवत्तर रहिबो संक्रमण हार अधिक तिबा जिल्ला रे कोविड नियम कडाकडी भाबे पालन हेबा नै सूचना देछंती मुख्य शासन सचिव लॉकडाउन कटकणा रे केते गुडिया कोहल करिया पे निष्पत्ति नहीं चंते से विषय में आपन को जनेबी सर्वप्रथम निष्पत्ति हो कैटेगरी ए जो 20टा जिला अछि सेठी दुकान बाजार सकाळ 6टा रु संध्या 6टा जाय खोला जाउतला वर्तमान तहा राती 8टा पंत खोलिबो एवं कैटेगरी ए जिला रे 7 दिन जाक दुकान बाजार सकाळ 6टा रु राती 8टा पंत खोला रहिबो सेभली कैटेगरी बी रे जो जिला सब अच्छे कोस्टल एरिया से जिले सकाळ 6टा रु
दिन दुईटा पर्यंत दोकान बजार सब खोला रहुतला ताकू वर्तमान सकाळ 6टा रु संध्या 5टा पर्यंत बढ़े दिया जाय छी। किंतु एही कैटेगरी बी जिल्ला रे दोकान बजार केवल 5 दिन खोलिबो सोमवार थरु शुक्रवार पर्यंत एवं कैटेगरी बी जिल्ला रे नाइट कर्फ्यू प्रतिदिन संध्या 5टा रु सकाळ 6टा जाय रहिबो एवं कैटेगरी ए जिले में राति 8टा रे दुकान बाजार बंद होला परे नाइट कर्फ्यू राति 8टा रु सकाल 6टा पर्यंत रहिबो। कैटेगरी बी जिले में आमर वीकेंड शटडाउन जोटा कंटिन्यू करूतला शनिवार एवं रविवार वीकेंड शटडाउन ताहा कैटेगरी बी जिले में मध्य कंटिन्यू करिबो नेक्स्ट 15 डेज पे। ता अर्थ कैटेगरी बी जिले में दुकान बाजार केवल 5 दिन खोलिबो सोमवार टू शुक्रवार एवं शुक्रवार संध्या 5टा पर ठू वीकेंड शटडाउन सोमवार दिन सकाळ पर्यंत चलिबो। राज्य रे आरंभ हेबो बस चलाचल पार्लर सेलून आसंता काली थारु खुला हेबो आउटडोर एवं इंडोर शूटिंग आरंभ हेबो सिनेमा हॉल बंद रहिबो। कैटेगरी ए जिला रे थिबा 20 जिला रे शटडाउन नियम लागू हेबो नाही। केवल कैटेगरी बी रे थिबा 10 जिला रे जारी रहिबो सप्ताहंत शटडाउन। यह सहित राज्य में जिम खोल पार्क शॉपिंग मॉल एवं सिनेमा हॉल बंद अंतरराज्य बस चलाचल बंद आसंता 25 तारीख जाए। पुरी को बस चलाचल उपरे संपूर्ण कटकणा जारी होई होटल और रेस्टोरेंट रे केवल पार्सल को अनुमति दिया जाय छी। शुद्धि क्रिया रे पूर्वभली कटकणा बलवत्तर रहिबो जहां पार्टी उपरे पूर्वभली कटकणा लागू रहिबो। दैनिक हाट एवं साप्ताहिक हाट को बारण करा जाय छी। कटकणा कोहळ समय रे टैक्सी एवं ऑटो चलाचल जारी रहिबो। तीन रथरे सामान्य फाट बलभद्रंक तालध्वज रथ एवं मा सुभद्रांक दर्प दलन रथरे गोटिए लेखाएं चकरे सामान्य फाट रही। सेभली महाप्रभुंक नंदीघोष रथर प्रभारे रही फाट आसंता 17 तारिख में तीन रथर दक्षिणी मोड़ करा दृष्टि रखी स्वतंत्र वैषयिक टीम द्वारा तीन रथर जांच करा जांच बेले सामान्य फाट थिबा जणापड़िछि। एबे भी फाट को मरामती करा जाउछि। 10 महाराणा 6 जण भोइ सेवक ओ 3 जण कमार सेवक मरामती करछन्ति। राज्य पई अनेक गौरव आनिछि भुवनेश्वर स्थित एम्स हॉस्पिटल 2003 जुलाई 15 रे भुवनेश्वर सिजुआरे देशर द्वितीय एम्स रो शिलान्यास करथिले सेतेबेलर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तेबे आज एम्स को पुरीछि 9 वर्ष। एही अवसर रे एम्स रो उद्घाटन करछन्ति बहु प्रतीक्षित इक्मो मशीन अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्यार्पण करा जायछि। Today we have morning, as you can see, we felicitated and paid floral tribute to Shri Atal Bihari Vajpayee ji, the late Prime Minister of India, who was the person who laid the foundation stone for AIIMS Bhubaneswar. This is the only new AIIMS for which the foundation stone was laid by Vajpayee ji, and so we paid floral tributes to him. And subsequently about an hour we will be inaugurating the ECMO services. We have procured the item, and this ECMO is going to be helpful for many of the patients who might be needing it. Bartman Agar super fast samay huchi ek choto break. ब्रेक परे स्वागत। पार्लाखेमुंडी अतिरिक्त वन सुरक्षा अधिकारी सौम्य रंजन महापात्रंक मृत्यु घटनार हेब तदंत। सौम्य रंजनक बापांक एतला आधार रे पार्लाखेमुंडी पुलिस तदंत आरंभ करिछि। डीएफओ ऑफिस परिसर रे थिबा कर्मचारीक घर को जाई पचरा उचरा करिछि। एहा सह रोसेयांक मध्य पचरा उचरा करिछि पुलिस। डीएफओ ऑफिस परिसर रे एसडीपीओ रामकृष्ण पति पार्लाखेमुंडी थाना अधिकारी विवेकानंद स्वाई सह पुलिस विभाग अन्यान्य कर्मचारी माने तदंत करुछन्ति। ग्रीन रे चिटफंड स्काम रे जलेश्वर सीबीआई रा 6 जणिया टीम रा चढ़ाऊ मुख्य परिचालकंक दुई भाई मीर जमीर और मीर सैमत ओरफ कालो को गिरफ करिछि सीबीआई। पूर्वरु 4 फेब्रुवारी 2017 रे कोलकाता एयरपोर्ट रु मुख्य परिचालक मीर सहिरुद्दीन ओरफ गोरा को सीबीआई गिरफ करिथिला। एही संस्था सारा देश रे 2000 कोटि लुटिथिबा अभियोग होइछि। कितना आदमी को सर? दो लोग। क्या नाम सर? नाम दोनों के? मीर
मीर जमीरुद्दीन और क्या मीर साइमा सर उन लोग प्रॉपर्टी को सीज करेंगे कैसे किया है सारा सीज हो चुका सारा सीज हो चुका है जो अभी एक पांच तला बिल्डिंग है सामने करीब है वो सीज रह रहे हैं फैमिली वगैरह सील हो चुका है ईडी ने आदमी उनका संपत्ति को जो कब्जा कर कब्जा करके रखे हैं ये आपके एनएच के सामने है कंपनी स्कूल है कुछ आदमी उनका प्रॉपर्टी को सीज करके रखे हैं बट है ईडी अटैच कर रहा है ईडी करता है तो ईडी अटैच करा ईडी का काम है वो करेगा अटैच कटक रे बेआईन सुना कारोबार रो पर्दाफाश 2 केजी रो अधिक सुना जबत कटक कमिश्नरेट पुलिस 2 केजी 29 ग्राम सुना जबत करछि जहार अनुमानिक मूल्य 53 लाख टंका हेबो अमृतसर सुना अलंकारानी कटक रे बिक्री करूथले जीएसटी फांकी सुना व्यवसाय करूथले बिना कागजपत्र रे कटक रे सुना व्यवसाय करूथले कटक रो विभिन्न स्थान रे बिक्री करूथले दुई जनों को अटक रखी पचराउचरा करूछि पुलिस संपूर्ण घटना को एबे अनुध्यान करूछि जीएसटी विभाग राज्य में पीएम आवास रे महादुर्नीति अभियोग पातर अंतर नीति विरोध में पश्चिम ओडिशा रे बीजेपी रो गर्जन संबलपुर रे उत्तरांचल आरडीसी ऑफिस घेराव करिछि दल राज्यपाल उद्देश्य रे दिया जाइछि दाबीपत्र तेबे किछि दिन तले केन्द्रीय टीम रो रिपोर्ट रु स्पष्ट होइतला राज्य रे केमिति चलिछि आवास योजना रिपोर्ट आधार रे आवास योजना रे प्राय 1000 कोटी टंका रो घोटाला कथा सामना को आनिथिला बीजेपी सेपटे पदारे पडिछि राज्य सरकारक पक्का घर बासपोट रो गुमर दलित परिवारंकु न्याय दाबीरे एसपी ऑफिस आगरे बीजेपी कर्मीक धारणा आली निर्वाचन मंडली बाळकटी पंचायत सरपंचक आक्रमणर शिकार होई तिबा दलित परिवारंकु न्याय देइपारुनी केंद्रापड़ा पुलिस जहां फळरे केंद्रापड़ा बीजेपी पक्षरु शासक दल समर्थित सरपंचक गिरफ दाबी करी केंद्रापड़ा एसपी कार्यालय सम्मुखरे धारणा दिया जाइछि बिल्डर तथा फिल्म निर्देशक निरंजन रणा अटक फ्लाट देवाकू कही लोकों ठकिता अभियोग निरंजन को अटक रखी शहीदनगर थाना पुलिस नारे रही 6 केस तारिणी रियल ईस्ट कॉर्न नामक एक बिल्डर संस्था करी जमी दबाना लोकं ठकुले निरंजन घर ऑफिस और प्रोजेक्ट चलता जगार चढ़ाऊ कर पुलिस सबु खोलिला हेले यात्रा पार्टी खोलिला नाही तेबे यात्रा पार्टी खोलिबा पई अनुमति देबाकू राज्य सरकारंकु अनुरोध करिछंती यात्रा पार्टी मालिक संघ राज्य सरकार यात्रा कहलाकारंकु पूणी अवहेला करथिबा अभियोग आसिला उठा दोकानी एवं अन्यकु राज्य सरकार सहयोग करिछंती मात्र यात्रा कलाकारंकु पूणी अनदेखा करिछंती से कहिछंती यात्रा बंद थिबारु कलाकार माने बहु असुविधा रे सम्मुखीन होइछंती यदि राज्य सरकार किछि आर्थिक सहयोग जोगाई दियंते तबे यात्रा कलाकार माने उपकृत होंत बोली मत प्रकाश पाइछि आमे बारंबार अनुरोध करूछु किछि भी विकल्प चिंता करंतो कलाकार मान पई ता नहले ओडिसा कलार राज्य ए कला जदि लूप पाई जीव ताहले माने ओडिसा गोटे कलार राज्य बोली आउ बाहर राज्य रे निजर गर्व देखि पारिबो नाहि तेणु मोर अनुरोध केमिति कलाकार बंचिबे सरकार तार गोटे किछि चिंता करंतो माने सब अछन्ते आमे गोटे किछि आलोचना कले पुणी जदि हुए सरकार पाखक जावाई सरकार को पुणी कि अनुनवीन करने जदि आवश्यक पड़े ताहले किछ गोटे आम बस चिंता करू सुस्थ होती विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक 50 दिन पर वेंटिलेटर बाहर करथापि से आईसीयू अच्छा खिया पिया चलाबुला करापाखि 70 दिन हेब एम्स ट्रिटमेंट होती प्रदीप्त खूब शीघ्र डिस्चार्ज करा कोविड रे आक्रांत हो चिकित्सित होते प्रदीप्त नायक से हीपरी विरोधी दल उपनेता विष्णु सेठी स्वास्थ्यावस्था ठीक रही रूम एयरमेंट मेंटेन करुछंती ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं किडनी जनित समस्या थिला तार एवं चिकित्सा चली एम्स सुपरिटेंडेंट विरोधी दल नेता स्वास्थ्यावस्था बहुत भल अच्छी प्राय 50 दिन हो गला से वेंटिलेटर बाहर किंतु आईसीयू रखाई ओराली भी सी ने आरंभ कर बहुत भल अवस्था अच्छी असुविधा नहीं डिस्चार्ज बहुत जल्दी हे डिस्चार्ज बहुत जल्दी अच्छे आउ टे स्ट्रेन्थ आसीगले बोधे अदरवैज ये जो बढ़िया अच्छे हाँ सी भी अच्छा सी तो रूम एयर अच्छा मेन्टेन करचुरेसन ना ऑक्सीजन सपोर्ट ना रूम एयर अच्छा खाली प्रॉब्लम किडनी डिजीज थिला से ट्रीटमेंट चलिए ना डायलिसिस आरंभ है बहुत भल अच्छा नेता उपनेता दुई जन जाक भल अच्छा
ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖାଲି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ମେସିନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଅପରେଟର। ଭଦ୍ରକର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରାଜଧାନୀର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ସରକାରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ବୁଲି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 49 ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା। ସତ୍ୟସାଇ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 49କୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏକାଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଘୋଷଣା କଲା ବିଏମ୍ସି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭୀମଟାଙ୍ଗି ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନର ହେବ ଅପରେସନ। ହାତର ଭେନ୍ କଟିଯାଇଥିବାରୁ ଅପରେସନ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଆଡମିସନ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇକିନା ବହୁତ ବିଳିବିଳି ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ଠାକ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବହୁତ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଅଳ୍ପ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ହାତରେ ସେ ନିଜେ ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ କାଟିଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ମାଇନର ଟିକିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡନ ଟିକିଏ ଆଘାତ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫୁଲା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପରେସନ୍ ବି ହେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ବାଜାଜ ଆଲିଏନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିରେ 17ଟି ସହରକୁ 17ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ବି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସିସିଟିଭିରେ ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ। ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏକଥାକୁ ଗୋହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ହେଲେ ଡୁଡୁମା ଏବଂ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ ଏରିଆରେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଘୋଡ଼ପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରିବାରୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଘାଟିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ପଞ୍ଜାବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସଦର ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।